मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर लागू धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, जिस पर विरोधियों ने लद्दाख के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब खुद लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने दिया। उन्होंने लोकसभा में साफ कहा कि इस निर्णय से क्या नुकसान होगा, सिर्फ दो परिवार रोजी रोटी खोएंगे। आज यहाँ पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लद्दाख के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए शेरिंग ने उनके खिलाफ लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद की। शेरिंग ने साफ कहा कि लद्दाख को 71 साल से बिल्कुल नहीं अपनाया गया। शेरिंग के मुताबिक उन्होंने और लद्दाख के लोगों ने 2014 में भी यूनियन टेरिटरी के लिए वोट किया था और फिर 2019 में भी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के लिए वोट किया। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ, आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। फिर शेरिंग यूपीए पर भी हमला करने से नहीं चुके थे। उन्होंने यूपीए की तत्कालीन सरकार पर किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही लद्दाख में विश्वविद्यालय देने पर पीएम मोदी की तारीफ की। मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाट जगड़ के दिया नहीं लाट जगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। इससे प्रभावित होकर लोकसभा में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने मेज थपथपाकर शेरिंग की हौसला अफजाई की। अब सवाल ये उठता है कि धारा 370 पर विरोधियों के विरोध में इस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने वाले जामयांग शेरिंग नामग्याल आखिर है कौन? जामयांग शेरिंग नामग्याल, जिन्हें जेटीएन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म सन 1985 में लद्दाख के पास के गांव माथो में हुआ था। लेह में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद फिर जम्मू यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसी दौरान साल 2011-12 में शेरिंग ने प्रेसिडेंट के रूप में जम्मू के लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन में अपनी सेवाएं दी और इसी के साथ ही एक सदस्य के रूप में शेरिंग बीजेपी में शामिल हुए और लद्दाख से सांसद रह चुके थुपस्तान छेवांग के निजी सचिव के रूप में शेरिंग ने काम किया। यह आपको बताते चलें कि थुपस्तान को 2014 में लद्दाख से बीजेपी की सीट पर जीत हासिल हुई थी। फिर उसके बाद साल 2015 में शेरिंग ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मार्टसेलंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन वोटों से जीता।
फिर बाद में उन्हें लद्दाख ऑटोनॉमस हिल के 8वें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के रूप में चुना गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले शेरिंग को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। 6 मई को वोट डाले गए और 23 मई को जब मतगणना हुई तो उन्हें 17वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई और 41,315 वोटों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़े सज्जाद हुसैन को उन्होंने करीब 10,000 वोटों से हरा दिया और आज गर्व के साथ लद्दाख से बीजेपी सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने पर इसे सालों पुरानी मुराद पूरी होने जैसा बता रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुपस्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को ये दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 की वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ, आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया, लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अब ले पधारे थे, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे और आप ले आए थे तब के होम सेक्रेटरी के साथ। पूरे लद्दाख के हर पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी कांग्रेस पीडीपी एनसी लेके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अलग वातावरण है, मैं लेके बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अंजुमन इमामिया एसोसिएशन हो या मोनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, हिंदू महासभा हो, सब ने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए।
राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए। हमने ये कहा था। आज अध्यक्ष जी सुनने के क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, सुनने के क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी। आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? अध्यक्ष जी, मैं कल 11 बजे राज्यसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सुन रहा था। बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, धारा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो, क्या ये आपका इक्वलिटी? क्या ये है आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है, क्या ये है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 इंप्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाट झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते, क्या ये है आपका इक्वालिटी? हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज के बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाट झगड़ के दिया नहीं लाट झगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? ये है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है सही में।